हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान। हनुमान चालीसा पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, आज मंगलवार है, कोई भी हनुमान चालीसा पढ़ सकता है। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है कि आज मंगलवार है, कोई भी हनुमान चालीसा पढ़ सकता है। में 6 दिसंबर आज मथुरा में कई जगहों पर हनुमान चालीसा का पाठ हिंदू संगठनों के कहने करने की। मंगलवार को कोई हनुमान चालीसा पढ़ सकता है, आप भी पढ़िए। मथुरा में शहीद गांव में कांवड़ चढ़ाने जाते समय श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पास एक युवक को हिरासत में लिया गया, गिरफ्तार किया गया। युवक आगरा का रहने वाला है। पुलिस हिरासत में लिए गए युवक से पूछताछ कर रही है। सरयू, सोरों, काशी से जल लेकर अभिषेक का कल ही सोशल मीडिया पर हिंदूवादी संगठनों ने ऐलान किया था। जिले का पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। श्रीकृष्ण जन्म स्थान और शहीद गांव मस्जिद के आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई। तो हिंदू महासभा पर पुलिस जो है वो नजर रख रही है, जो उसके सदस्य हैं। आगरा का रहने वाला एक शख्स जलाभिषेक करने के लिए पहुंचा, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कल हिंदू संगठनों ने ऐलान किया था, जिसके बाद से लगातार सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जल लेके आए हम जो मुगल आक्रांताओं के द्वारा जो पाप की निशानी अनुमति क्या करना है, बोल रहे लोग इसी फूल बरसा रहे हैं। और भाई साहब, अरे भाई साहब, बात आप बोल नहीं सकते हो सीधी सीधी। क्या करना है, कहाँ जाना है, कहाँ जल चढ़ाना है? जन्मभूमि पे, हाँ, ईदगाह पे भी जल चढ़ाना चाहते हो आप लोग? उसका शुद्धिकरण करना चाहते हैं हम लोग। मथुरा की शाही ईदगाह में आज हनुमान चालीसा का पाठ करने के ऐलान के बाद